सलाम आदाब, मैं अब्दुल समद, VOS 24 न्यूज़ से। अभी मैं कसैरा पोखर वार्ड नंबर 4 में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं ये कोई नदी या नाला नहीं है बल्कि ये रोड है जो यहां पर इंसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर निवासी है। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि यहां पर जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कैसे गुजार रहे हैं और किन किन परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। बच्चा सब गिर पड़े, अपने दूंगा उंगली टूट गया, घर छोड़ कर भाग गई। वही एक बगल में रहे किराया पर, की करूँ, कते दिन रहो, दुख काटू। कमिश्नर कहे कहे थेथर बगल नहीं सुने, आज बना देवे कल बना देवे, नहीं सुने है, की करूँ आए। तो अभी इलेक्शन होने वाला है, उसमें तो नेता आएंगे, वादे भी करेंगे, उसमें आप लोग क्या कीजिएगा? नहीं, जे रोड बनाते नाला बना देवे तकरा देवे, नहीं नाला है नहीं रोड है, तो की करो, हम सब रोड पर फुटपाथ पर रहू। इसमें तो आदमी गिर भी जाता होगा, बाबा के डांट टूट गए, हमारा सब गोड़ टूट गए, देखे सबके दास। तो इस पानी जो है हमेशा रहता है? हमेशा रहे है, नहीं बरसे है तो पर बरसा तो पूरा भर जाए है। जबकि अभी बरसात का मौसम तो लगभग उतना नहीं हो रहा, बारिश तक घर के दशा जी, घर छोड़ कर भाग लिए बाल बच्चा लोग, की करूँ, कितने बाल बच्चा के गिरा ऊपर आओ कष्ट कर। नाली बनाएगा तब ना बनाता है, ये रोज आजकल आजकल बोलता है। सामने में आप लोग का मंदिर भी है? हाँ, मंदिर। कैसे जाते हैं? इसी में जाते हैं हेलकर, पैर धोते हैं। तो बच्चा जो स्कूल वगैरह जाता है वो कैसे जाता है? वो जाता है अपना गोरा धो लेता है उधर जाकर। तो वहाँ यहाँ के जो वार्ड परिषद है तो उनको आप लोगों ने कहा? हम लोग बोले हैं, उन लोग का आजकल आजकल बोलते रहते हैं, मतलब कोई रिस्पांस नहीं लिया जा रहा है। नहीं, कोई नहीं, देख ले चल जाए, सुन ले चल जाए, कोनो मतलब नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो हाथ जोड़ते हैं, पांव पकड़ते हैं और जब जीत जाते हैं तो इस तरीका से अपना मुंह घुमा लेते हैं जैसे लगता है कि हम पहचानते ही नहीं हैं, और बड़े बड़े बिल्डिंगों में और सोफे गद्दे पर जाकर के आराम करते हैं। मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। यहाँ पर एक भाई साहब हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दें। मैं राहुल कुमार सर, इसी वार्ड नंबर 4 से हूँ सर। इस रोड में मेरा घर यही हुआ जो पानी में डूबा हुआ है, देखें इस रोड का रास्ता, मेरा लोग का घर हुआ, 5 घर रहते हैं इधर आदमी, मंदिर का रास्ता यही लोग इधर से ही जाता है, इधर से ही आता है। उस लोग की हाल देखिए, पिछले पाँच साल से हमारे वार्ड कमिश्नर साहब हैं, इस पर कोई सुनवाई नहीं ले रहे हैं। ये पानी जब 5 साल से यही हाल है, यही हाल है, 12 महीना 36 दिन बारिश हो चाहे नहीं हो, हरदम यहाँ बारिश में पानी लगा रहता है। बारिश नहीं भी होता है वहाँ पानी लगाता है, सांप कीड़ा सबके घर में घुसता है। इस कारण से हम लोग यहाँ से उठ के लेकर चले गए हैं दूसरे घर पर रहने के लिए, दूसरे जगह चले गए, घर छोड़ के दूसरे जगह रह रहे हैं सर। लेकिन इस चीज़ का निराकरण अभी तक नहीं हुआ, कितना बार कह कह के थक गए। यहाँ वार्ड पार्षद से लेकर चेयरमैन से लेकर नगर निगम तक पूरा कंप्लेन किया गया है, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मांग करते हैं सरकार से, नगर परिषद से, क्या कहते हैं? यही कहेंगे, हम लोग यही वार्ड के बच्चे हैं, हम लोग को इस देखा जाए, DM साहब भी इस चीज़ को देखें, आके इस चीज़ को निरीक्षण करें, इस रास्ता का जो हाल है वो रास्ता का सुधारा जाए, सबको इस रास्ता को सुधारा जाए, हम लोग ऐसे नहीं जी पाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर नाला बनना चाहिए और ये रोड थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, तब ये पानी जो है निकासी होगा। नाला जरूरी है, इस रोड में नाला ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि यहाँ नाला ही नहीं है, वार्ड कमिश्नर साहब रोड ढाल दिए हैं, नाला के बिना रोड ढाल दिए। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि बाबू कैसे जाते हो स्कूल? पानी में हिल के गिर भी जाते हो क्या? हाँ। तो सरकार से क्या कहना चाहते हो? रोड बनाइए, रोड बनाइए, नाला बनाइए। आप सोच सकते हैं ये मासूम बच्चा है जो कितना परेशानी उठाने के बाद वो स्कूल जाते हैं और गिर जाते हैं, और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि रोड बना दीजिए, मतलब सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि और भी वहाँ पर कुछ लोग हैं, निवासी हैं, वो समझ लीजिए कि ये मुझे कोई नाला या कोई नदी नहीं बल्कि यहाँ पर इंसान रहता है, ना कोई जानवर रहता है। आप सोच सकते हैं इतना गंदा पानी है, मुझे जाने में कितनी तकलीफ हो रही है, और सामने मंदिर भी है, लोग पूजा करने जाते हैं कितना परेशानी के बाद। कम से कम सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि यहाँ इंसान रहते हैं बल्कि जानवर नहीं, लोग जानवर को भी इससे अच्छा जगह पर रखता है लेकिन यहाँ इंसान रहने पर मजबूर है। यहाँ पर एक हमारी दीदी है, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। वो तो देखते हैं कि नहीं कैसा कैसा गंदगी में रहना पड़ता है, यहाँ पर घर में पानी इतना सामान सब नाश हो रहा है, यहाँ से किराया पर रहते हैं हम लोग, छोटा छोटा बच्चा सब आते हैं सामान लेने के लिए, गिरते हैं पानी में। रात बिरात में कभी कोई कुछ हो गया, कोई हादसा हो गया तो फिर इसमें कौन देखेगा? सही बात है, टूट गया हमरा, सांप कीड़ा भी रहता होगा इसमें। हाँ, बहुत रहता है, कीड़ा रहता है, कीड़ा उड़ा। तो अभी जो इलेक्शन होने वाला है तो बड़े बड़े नेता आएंगे, आप लोगों के सामने हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, तो आप लोग क्या कहेंगे वहाँ पर? क्या कहेंगे? उस लोग के वोट नहीं देंगे, पहले हम लोग के निकासी करिए तब देंगे, हम नहीं करिएगा तो नहीं देंगे। यानी कि पहले रोड उसके बाद वोट? हाँ।
पहले नाला रोड बनाइए तक बाद वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे हम लोग, कहाँ से देंगे वोट। चाची अहाँ मतलब की परेशानी उठावे करे पड़े छै? माने बड़ परेशानी उठाबे छी हम, कनी दिन से परेशानी नहीं उठाते छै, बहुत दिन से बच्चा बच्चा है न त पोता पोती सब है ग, सबके मन खराब हो गेल, अभी हमरा मन खराब हो गेल, अहाँ सब जिता जिता देब हमरा वोट, हमरा घर अथी बना दो, जमीन रोड बना दो। देखियो हम रोड किने बहुत दिन से जमाना से हमर सास ससुर रह रहे घर द्वार छोड़ दिले है, हमर घर द्वार भाड़ा पर रह है, आ जाए छी त हमरा गोर टूट गया, पकड़ के देवाल पकड़ के जाती है, आ देखियो मंदिर में भगवान रात का आवे है जाए है, थालो का आदमी है जाए है भगवान, पूरा साल ऐसे रहता है। हाँ हाँ जमाना से हम, बरसात में तो हमको लग रहा और पानी यहाँ पर जम जाता होगा, एक तक पानी में हेल के आवे छी घर से, इतने छी त हमर बाल बच्चा एते के पानी। बउआ तोरा से कोई दिक्कत बहुत होइ छौ? यस सर। स्कूल केना जाए छी? पानी में है हेल कर गिरियो जाए छी? हां तो की सरकार से की मांग करे छी? रोड बनाने के लिए, रोड बना दीजिए, नाला बना दीजिए। अच्छा सोच सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी सरकार से और नगर परिषद से यही मांग कर रहे हैं कि नाला बना दीजिए और रोड बना दीजिए। ये कोई गांव देहात का भी ये नहीं है, ये मधुबनी शहर है, एक ज़िला है, बहुत बड़ा ज़िला है, और सोच सकते हैं नगर परिषद से नगर निगम होने वाला है। अब नेता जो है आते हैं गलियों में घूमते हैं, वोट लेने के बाद इस तरीके का बर्ताव करते हैं जैसे कोई इंसान किसी के साथ नहीं कर सकता। आप सोच सकते हैं कि इतना गंदा पानी है, यहाँ पर बीमारी हो सकता है, लोग बीमारी से परेशान हो सकते हैं, अभी कोरोना गुजरा है, सोचिए अब इसमें कितना कीड़ा होगा, आप सोच सकते हैं कितना बीमारियां हो सकते हैं इसमें। यहाँ पर हमारे जो बात है, मुझे जब इतनी तकलीफ हो रही है तो यहाँ पर जो 24 घंटा की जिंदगी गुजार रहे होंगे अब उनको कितना परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना परेशानी लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो अभी आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़, मैं अब्दुल समद, बहुत बहुत धन्यवाद।